गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नाउन अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग किसी भी पर्सन मतलब आदमी व्यक्ति स्थान जानवर या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल रवि दिल्ली, एलिफेंट कार रवि पर्सन का नाम है दिल्ली इज़ अ प्लेस एलिफेंट इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल और कार इज अ थिंग लेट अस सी दीज थ्री एग्जांपल्स। रवि इज प्लेइंग रवि नाउन है इस सेंटेंस में सेकेंड सेंटेंस आई लिव इन डेली मैं डेली में रहता हूँ डेली इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस रवि इज़ द नेम ऑफ अ बॉय एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल एलिफेंट इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल तो ये सारे किसी के नेम्स हैं एंड किसी के नेम को हम नाउन कहते हैं नाउ लेट एस लर्न अबाउट द काइंड ऑफ नाउन कितने तरह के नाउन होते हैं हम वो देखते हैं नंबर वन प्रपर नाउन अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग नाम तो बहुत होते हैं हर चीज़ के नाम है लेकिन अगर किसी एक आदमी का कोई यूनिक नाम है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई नाम है किसी एक आदमी का जिसको आप उस नाम से बुलाते हो जो किसी और को उस नाम से आप नहीं बुलाएँगे वो हो जाता है प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का स्पेश, स्पेशल नाम किसी प्लेस का स्पेशल नाम या किसी चीज़ का स्पेशल नाम ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का स्पेशल नाम जैसे रवि किसी प्लेस का स्पेशल नाम जैसे रेड फोर्ट ताजमहल कुतुब मीनार किसी थिंग जैसे कार जैसे पेंसिल तो ये सब स्पेसिफिक नेम्स हो गए नोट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन के सेंटेंस में कहीं भी हो चाहे वो शुरुआत में हो मिडिल में हो या अंत में हो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं बिकॉज़ दे आर स्पेशल नेम्स उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखें स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं रवि रेड फोर्ट न्यू डेली ये जो जगहें हैं रेड फोर्ट जो प्लेस है ये जो किला है इसको हम किसी और नाम से नहीं बुला सकते हम इसे ताजमहल नहीं कह सकते हैं हम उसे हमेशा ताउम्र रेड फोर्ट ही बुलाने वाले हैं और एक लड़के का नाम अगर रवि है तो हम उसे हमेशा रवि ही बोलेंगे वो उसका नाम है ये उसका स्पेशल नेम है वो बॉय है लड़का है बॉय भी नाउन है लेकिन उस बॉय का भी स्पेशल नाम है वो प्रॉपर नाउन हो गया सो रवि रेड फोर्ट न्यू दिल्ली आगरा ताजमहल बैंगलोर इंडिया फ्रांस ये सब स्पेशल नेम्स हैं नाउ अस मूव ऑन टू द सेकंड

जो कि एक जैसे होते हैं सिमिलर होते हैं एक कैटेगरी के होते हैं या कह लीजिए एक काइंड के होते हैं एक ही तरह के होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं उस कैटेगरी को देते हैं जो उस कैटेगरी में उन सब लोगों में कॉमन होती है जैसे कि बॉयज़ हो गए कैटेगरी एक हो गया गर्ल्स एनिमल्स तो ये हो जाते हैं कॉमन नाउंस जो इन कॉमन हम देते हैं नाम जो कि सेम क्लास के होते हैं सेम काइंड के होते हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय जैसा भी मैंने बोला बॉय सिटी सिटी में बहुत सारी सिटीज़ होती हैं उन सब सिटीज़ के अलग अलग नाम होते हैं वो आपको प्रॉपर नाउंस कहलाएंगे मगर ये जो शब्द है सिटी जो शब्द है ये कंट्री कॉन्टिनेंट ये कहलाते हैं कॉमन नाउंस अब इनके अंदर जो अलग अलग सिटीज़ हैं या कंट्रीज हैं जिनके नाम हैं जैसे कंट्रीज हो गए इंडिया फ्रांस ये सब हो गए आपके प्रॉपर नाउन और जो कैटेगरी है सिटी कंट्री बॉय बिल्डिंग ये सब हो गए कॉमन नाउन फॉर एग्जाम्पल न्यू डेली इज़ अ सिटी यहाँ पे न्यू डेली प्रॉपर नाउन है और सिटी क्या है कॉमन नाउन राम इज़ अ बॉय बॉय और राम दोनों नाउन हैं न्यू दिल्ली और सिटी दोनों ही नाउन हैं मगर न्यू दिल्ली स्पेशल नेम है उस सिटी का बहुत सारी सिटीज़ है जिनमें से एक न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली एक शहर है तो शहर हो गया कॉमन नाउन और न्यू दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन राम इज़ अ बॉय राम हो गया स्पेशल नेम मतलब प्रॉपर नाउन और बॉय हो गया कॉमन नाउन थर्ड है कलेक्टिव नाउन्स कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड सेम काइंड के जो पीपल ग्रुप फॉर्म किए हैं या कोई एनिमल्स का ग्रुप है ऑफ़ द सेम काइंड या किसी चीज़ों का ग्रुप है ऑफ द सेम काइंड एक जैसे वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं जैसे अगर बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ दिख रहे हैं उन्हें हम कहेंगे अ रेंज ऑफ माउंटेंस इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है माउंटेंस अगर एक साथ ग्रुप में दिखते हैं वो हो जाते हैं अ रेंज ऑफ माउंटेंस बहुत सारे स्टिक्स अगर एक जगह हैं ये थिंग है जो कि सेम काइंड है स्टिक एक ही चीज़ बहुत सारे हैं वो आपके ग्रुप फॉर्म कर लिए तो हम उसे ग्रुप ऑफ स्टिक्स नहीं कहेंगे हर चीज़ों के ग्रुप्स के लिए हम कुछ नाम देते हैं यहाँ पे स्टिक्स को हम कहेंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स

नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस अनजम्बल्ड जम्बल्ड करके दिए गए हैं और आपको इसमें कैपिटल लेटर्स भी सही से नहीं लगाए हुए हैं आपको वो सब करेक्ट करके प्रॉपर सेंटेंस लिखना है एंड आपको ये भी ध्यान रखना है यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर आपको जहाँ भी प्रॉपर नाउन दिखता है आपको उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है And write it in a proper structure. Thank you, students.